हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइज आप लोग भी कुछ इस टाइप की इंस्टाग्राम रील्स वायरल भी कर सकते हो, आप लोग भी कुछ इस टाइप की मोटिवेशनल थॉट वीडियो कैसे बना सकते हो। आप लोगों को पता होगा इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियो अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, अच्छे खासे यहाँ पर लाइक्स आते हैं, अच्छे खासे यहाँ पर फॉलोवर्स भी आपको मिलते हैं। गाइज अगर आप लोगों ने भी अपना पेज यहाँ पर रखा है एंड आप लोग भी अपने पेज के लिए यहाँ पर कुछ इस टाइप की वीडियो एडिट करना चाहते हैं सो वीडियो में पूरा लास्ट तक देखना। आज की इस वीडियो में बिल्कुल आप लोगों को सिंपल स्टेप से बताने वाला हूं कि गाइज आप लोग भी कुछ इस टाइप की मोटिवेशनल वीडियो कैसे बना सकते हो एंड एडिट करने के बाद गाइज आप लोग भी अपने पेज पर अपलोड कर सकते हो एंड आप लोगों का पेज यहां पर अच्छा खासा ग्रो भी हो सकता है एंड आप लोग अपने पेज की मदद से अच्छे खासे यहां पर पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर दें यार कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर एंड आप लोगों को सिंपल स्टेप से बता दें कि इस टाइप से आप लोगों को इस टाइप की वीडियो को एडिट करना है। सो फाइनली गाइज मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो गाइज हमें यहाँ पर इमेज लेने पड़ेंगे जो कि लोयन वगैरह या कुछ भी आप इमेज ले सकते हैं, मतलब थोड़ा मोटिवेशनल ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, पिंटरेस्ट। गाइज अगर आपके पास पिंटरेस्ट एप्लीकेशन नहीं है सो आप प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को ईजी से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना पिंटरेस्ट एप्लीकेशन ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में सर्च करना होगा लोयन। तो जैसे मैं सर्च करता हूँ ना लोयन, यहाँ पर आप लोगों को लोयन के इमेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा नेट भी थोड़ा भी स्लो चल रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर लोयन का फोन मैंने लोयन सर्च किया एंड यहाँ पर आपके सामने और इतने ज़्यादा लोयन के यहाँ पर आप लोगों को इमेज देखने को मिलेगी। तो जो भी आप लोगों को यहाँ पर लोयन का इमेज अच्छा लगे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर ये फोटो डाउनलोड यहाँ से करके दिखा देता हूँ। डॉट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करता हूँ। तो ये फोटो गाइज हमारी गैलरी में सेव हो चुका है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी आ चुका है इमेज डाउनलोडेड। तो हमारा फोटो यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुका है। अब यहाँ पर गाइज आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप लोगों को सेकंड एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। गाइज ये एप्लीकेशन भी गाइज आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपने यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, मैंने अपने यहाँ पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की साइड हेड डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को इमेज साइज में जाना होगा, ठीक है। इमेज साइज में जाने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में यहाँ पर नहीं, आप लोगों को यहाँ पर विड्थ को 9 करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को 16 करना होगा, ठीक है। हाइट को आपको 16 करना होगा एंड विड्थ को आप लोगों को 9 करना होगा एंड ये फुल स्क्रीन में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको यहाँ से आप लोगों को डिलीट करना होगा एंड अब आप लोगों को यहाँ पर ऊपर की साइड प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को ये इमेज को ऐड करना होगा, ठीक है। इमेज को ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को इस यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड नीचे की साइड यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिलेटिव साइज का। सो आप लोगों को इसको यहाँ से फुल करना होगा। तो जैसे आप फुल करेंगे कुछ इस टाइप से ये हो जाएगा। अब होने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा एंड ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आप लोगों को फ्रॉम गैलरी पर चले जाना होगा। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक शैडो इमेज को लेना होगा, ठीक है। एक शैडो इमेज को लेने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शैडो इमेज ले लेता हूँ। गाइज अगर आपके पास ये जो मैं इस वीडियो के अंदर मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उन सभी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके इनको ईजी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को शैडो इमेज लेके दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक शैडो इमेज ले लिया है। शैडो इमेज लेने के बाद कुछ स्टेप से यहाँ पर इसको आपको थोड़ा रोटेट कर लेना होगा। रोटेट करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन में करना होगा। तो चलिए इसको यहाँ से आप लोगों को फुल स्क्रीन में करना होगा। तो ये कुछ स्टेप से आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। मैंने इसको यहाँ पर नीचे की साइड एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ से बैक आना होगा, ठीक है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल वगैरह जो भी आप गूगल वगैरह यूज़ ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको आना होगा एंड वहाँ पर आपको लिखना होगा मोटिवेशनल शायरी या थॉट्स वगैरह भी लिख सकते हैं, मोटिवेशन थॉट्स इन हिंदी कुछ इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे ना आपके सामने इतने ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को थॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए मैं कोई भी वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो जाओ फटाफट से। यार मेरा नेट कनेक्शन तो है थोड़ा सा ना यहाँ पर अभी, तो देख सकते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपके सामने इतने ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को थॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो भी मतलब आप लोगों को अच्छा लगे ना आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ऐड करके दिखा देता हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप कुछ इस टाइप से कॉपी कर सकते हैं।
तो चलिए मैं यहाँ पर मतलब यही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ से ये कॉपी की है। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको इसको मिनिमाइज़ करना होगा। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोगों को अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में आ जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आपको एडिट में जाने के बाद जो हमने यहाँ पर कॉपी की थी अभी शायरी, मोटिवेशनल शायरी, वो आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। लिखने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को कुछ स्टेप से इसको पढ़ना, कुछ इस टाइप से कर लेना होगा। इस टाइप से करने के बाद अब नीचे की साइड यहाँ से आप लोगों को ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉन्ट का। सो आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना होगा। एंड फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फॉन्ट देखने को मिलेंगे। सो आप लोग अगर इनमें से ऐड करना चाहते हैं तो इनमें से भी कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को एक फॉन्ट अभी आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से हाँ तो मैं यहाँ पर ये फॉन्ट ऐड करके दिखा देता हूँ, लेमन बोल्ड वाला। यहाँ से इसको मैं ऐड करता हूँ। इसको ऐड करने के बाद अब नीचे की साइड यहाँ से आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एलाइन का। सो आपको एलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड इसको यहाँ पर बीच वाला जो मिडल वाला है आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये सही मतलब सही से लिखा जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से हो जाएगा, तो देख सकते हो, ठीक है। अगर गाइस आप लोग कुछ इस टाइप से लिखना चाहते हैं तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। सक्सेस की सबसे खास बात ये है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अब इतना काम करने के बाद फिर से आप लोगों को टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड गाइस अगर आप लोग इसमें अपने पेज वगैरह का नेम लिखना चाहते हैं या अपना नेम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ वो कैसे लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विनीश सोनियाल 2124। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का यहाँ पर नेम लिख दिया है। लिखने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप लोगों को एक फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को एक फॉन्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को ये फॉन्ट देखने को मिलेगा, मैं बता देता हूँ। कहाँ है भाई, आ जा। तो गाइज हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ये फॉन्ट देखने को मिलेगा, बोगैलो रेगुलर वाला, कुछ इस टाइप से जो इसका ये फॉन्ट का नेम है बोगैलो, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। एंड इसको करने के बाद यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा छोटा कर लेना होगा, ठीक है। छोटा करने के बाद अब इसको जहाँ पर भी आप लोग मतलब इसको एडजस्ट वगैरह करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर नीचे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा देता हूँ। देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, विनी सोनियाल 2124। अब इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, सेव एज इमेज पर क्लिक करना होगा। एंड इसको यहाँ से आप लोगों को सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सेव टू गैलरी पर क्लिक करेंगे ये फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोगों को थर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, यानी कि आप लोगों को इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करने वाले आप लोगों को ओपन करना है, क्योंकि अब हम सब कुछ करने वाले इनशॉट एप्लीकेशन के अंदर ही। अब मजा आने वाला है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं यार। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोगों को वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को न्यू पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे, अब हमने जो फोटो पिक्सेल लैब एप्लीकेशन से क्रिएट किया था, सेव किया था, वो आप लोगों को यहाँ पर फोटो को ऐड करना होगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पर फोटो ऐड हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली हमारा यहाँ पर इमेज ऐड हो चुका है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फिल्टर का। सो आप लोगों को फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट में जाना होगा। तो जैसे आप इफेक्ट में जाएंगे ना, यहाँ पर आप लोगों को सबसे यहाँ पर आपको जेपीजी में आना होगा, सबसे पहले ग्लिच में आना होगा। एंड ग्लिच में आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिलेगा सबसे फर्स्ट वाला ग्लिच का। सो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। एंड इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर मतलब आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोग अपने हिसाब से इसकी वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को इसकी जो वैल्यू को समथिंग मेरे हिसाब से तो आप लोगों को 40 या 50 के बीच में आपको रखना होगा। तो मैं इसको यहाँ पर इतना ही कर लेता हूँ, इसको 45 या 50 कर लेता हूँ। तो कुछ स्टेप से यहाँ पर ये वीडियो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को ओके पर क्लिक करना होगा। एंड ओके पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इसमें साउंड ऐड करना होगा। तो ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ना म्यूजिक वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को इफेक्ट में जाना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्ट ऑडियो पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो जो भी मतलब आप साउंड यूज़ करने वाले हो किसी वीडियो के अंदर, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर साउंड निकाल लेता हूँ। तो ओके पर क्लिक करना होगा। तो जब आप ओके पर क्लिक करेंगे मतलब आप कोई नाम वगैरह दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑडियो ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। तो जैसे कि देख सकते हो हमारे यहाँ पर ऑडियो भी ऐड हो चुका है एंड हमारे यहाँ पर वीडियो भी क्रिएट हो चुका है। तो इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो बना सकते हैं। और गाइज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बता दिया कि आप लोगों को फोटो कहाँ से लेने एंड शायरी कहाँ से लेनी है। तो इसलिए आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज अगर आप वीडियो अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वीडियो को सेव करने के लिए यहां से आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहां पर आप लोगों को सेव पर क्लिक करना होगा। तो फाइनली ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो आपके साथ ये शेयर करना था। मैं मिलता हूं आपको नए वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।